नमस्कार, मैं हूं करण और ये टपरी जंक्शन की दिशा है। आज का अपडेट देवबंद टपरी दोहरीकरण का। ये देखिए सामने जेसीबी मशीन लगी हुई है और यहाँ खुदाई कर रही है। यहाँ रेलवेड बनेगा और डबलिंग का अलाइनमेंट देवबंद स्टेशन में जुड़ जाएगा। ये देखिए सामने काफ़ी लोग लगे हुए हैं। यहाँ इन्होंने नया स्विच सेट किया है। जो ट्रेन मुजफ्फरनगर की दिशा से आती है वो यहाँ से स्विच करके ये सिंगल ट्रैक पकड़ती है और सहारनपुर टपरी की दिशा में चली जाती है। वीडियो को एंड तक देखिए, अभी पूरा मामला समझाएंगे हम। दिन में यहाँ लगभग 100-150 की संख्या में लोग लगे हुए थे, लेकिन अब कम है। और यहाँ मेगा ब्लॉक ले रखा था। लगभग 6-7 घंटे तक एक भी ट्रेन की मूवमेंट यहाँ पर नहीं हुई थी। दूरी बनाए रखते हुए वीडियो शूट किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। वीडियो को एंड तक देखिए। अभी शाम हो रही है, अभी यहाँ से मालगाड़ी गुजरेगी है। ये सामने मालगाड़ी खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जो कि मेन लाइन है, टाउन लाइन। मालगाड़ी धीरे धीरे पड़ रही है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए। अभी मैं दिखाऊंगा कि जो इन्होंने नया स्विच यहाँ पर सेट किया है उसमें जो टपरी जंक्शन की दिशा से जो डबलिंग का अलाइनमेंट आएगा वो कैसे जुड़ेगा, और जो मुजफ्फरनगर की दिशा से जो डबल लाइन आई है जिस पर ये मालगाड़ी अभी चल रही है वो अब कैसे सीधी हो जाएगी एकदम। धीरे धीरे बढ़ रही है मालगाड़ी। और एक चीज़ और नोटिस करिए आप, एक नया मास्ट यहाँ पर इन्होंने इरेक्ट किया है, वो देखिए उसका ब्रैकेट ट्यूब और स्टे ट्यूब खाली है। अजनी लोकोशेड का WAG 9 लोकोमोटिव है ये। धीरे धीरे बढ़ रही है मालगाड़ी। अभी शाम का समय है, अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगा मैं कि कैसे स्विच रख दिया गया है यहाँ पर। अभी देखिए डबल लाइन पर ट्रेन आ रही है, लेकिन ये स्विच करके सिंगल ट्रैक पकड़ ले रही है। फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, ये ट्रेन सीधी जाएगी, धीमी गति में नहीं तेज गति में। अब अगले दिन ये टपरी जंक्शन की दिशा, ये फाटक है, रणखंडी फाटक कहते हैं इसको, ये यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा। ये गेटमैन का जो केबिन है, और गेटमैन का केबिन वहाँ होगा दाईं तरफ, आप देख ही सकते हैं बना हुआ है। और ये भी रास्ता साफ होगा और सफाई चल भी रही है। जेसीबी कल करके गई थी, इसी वीडियो में आपने देखा था अभी पीछे। और बाधा जो बन रही है वो है बारिश, बरसात का मौसम चल रहा है। ये देखिए काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया है जेसीबी ने। अभी और सफाई की जाएगी यहाँ पर, और डबलिंग का अलाइनमेंट आएगा यहीं से होता हुआ जाएगा और सामने जुड़ेगा। सामने देवबंद स्टेशन है, अभी आगे चल के दिखाता हूँ मैं। और ये देखिए सिंगल ट्रैक है अभी, जो अभी ऑपरेशनल है। ये ट्रेन डबल लाइन से आती है लेकिन सिंगल ट्रैक पकड़ लेते हैं यहाँ से। ये देखिए इन्होंने कैसे सेपरेट कर दी है लाइन। ये लाइन जो कटी हुई दिख रही है आपको, यही लाइन आगे बढ़ेगी। अब ये भी टेम्प्रेरी इन्होंने आगे निकाली है, पुरानी रेल, अब इसमें नई रेल डलेगी। समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों का कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर। और अभी कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था यहाँ पर काफ़ी घास फूस उगी हुई थी, जो अब साफ़ हो चुकी है। ये देखिए ये है, ये नया बूम इन्होंने इरेक्ट किया था, नया पोर्टल। और ये है नया स्विच यहाँ पर जो इन्होंने सेट किया है। ये लाइन अब आगे बढ़ेगी टपरी की दिशा में। अब होता यह है कि कोई ट्रेन अगर मुजफ्फरनगर की दिशा से आती है तो वो यहाँ से स्विच करती है। ये देखिए
ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जो मेन लाइन है, और स्विच करके यहाँ से सिंगल ट्रैक पकड़ लेती है टपरी की दिशा में। ये देखिए नए स्लीपर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये स्टॉक रेल बिल्कुल नई है। ये देखिए क्रॉसिंग फ्रॉग, ये भी नया है। चेक रेल्स भी नई है, ये देखिए ग्रीन अलग ही चमक रही है आपके चेक रेल। और अब देखिए समझिए, अब डबलिंग हो जाने के बाद ये ट्रैक जब आगे बढ़ जाएगा तो कोई भी ट्रेन यहाँ से स्विच नहीं करेगी उधर सिंगल ट्रैक पर, सीधी जाएगी और लाइन एकदम सीधी हो जाएगी। सीधी हो चुकी है लगभग, बस इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए नई मास्ट लगाई है इन्होंने, और अभी एक ब्रैकेट ट्यूब और स्टे ट्यूब खाली हैं। अभी यहाँ एक और वायर आएगी, यही वायर आगे बढ़ेगी। ये देखिए नया स्विच है एकदम, नए नए स्लीपर्स हैं ये, ये देखिए टंग रेल भी नई है एकदम। जब स्विच ही नया तो सब चीज़ नई ही होगी। ये इन्होंने नया लगाया है यहाँ पर, पुरानी वाली यहाँ से हटा दी गई हैं रेल्स। ये सामने देवबंद स्टेशन हो गया और ये मेन लाइन है। ये मुजफ्फरनगर की दिशा से ट्रेन आती है तो यहाँ से सीधे टपरी जंक्शन की ओर जाएगी। अभी वर्तमान में यहाँ से ट्रेन दाईं तरफ स्विच कर जाती है इस स्विच की मदद से जो इन्होंने नया लगाया है, लेकिन फ्यूचर में सीधी निकलेगी एकदम। अब ये अप डाउन लाइन हो चुकी है यहाँ पर। मुजफ्फरनगर की दिशा से आने वाली ट्रेन इस लाइन से आएंगी जिस पर मैं खड़ा हूँ, और ये बीच वाली लाइन जहाँ पर वो दो लोग दिख रहे हैं आपको बाएं तरफ जो टपरी सहारनपुर की दिशा से आती है। और अभी यहाँ पर एक काम और होना है, अभी एक यहाँ पर एक और स्विच और लगाया जाएगा जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है देवबंद का, उसमें जोड़ा जाएगा। ये देखिए अभी यहाँ पर ट्रैक जो काट दिया गया है और नई मास्ट भी लगाई गई है, इससे साफ मालूम पड़ता है कि अभी यहाँ पर इस ट्रैक को जोड़ा जाएगा इसमें। ये देखिए कटा हुआ जो ट्रैक दिख रहा है आपको जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 को जोड़ेगा। ये मेन लाइन है जो सहारनपुर की दिशा से आती है ट्रेन, वो इसी लाइन पर जाएगी जिस पर मैं चल रहा हूँ अभी, और मुजफ्फरनगर वाली वो है। वीडियो थोड़ा देर से अपलोड किया गया आपकी बार मेरे द्वारा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जिन लोगों ने वीडियो एंड तक देखा होगा उन्हें अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।